हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फरहा मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं एक फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम है मोइजिन वेलवेट फाउंडेशन। जर्मनी का ब्रांड है ये, और मैं आपको बताऊँगी कि इसने कितना स्टे किया, ऑक्सीडाइज हुई कि नहीं हुई ये बेस, और कितने कलर्स अवेलेबल हैं इसमें, और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये सब बताऊंगी आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने फेस को जो है वो मॉइस्चराइज़ किया, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है अलीज़म ब्यूटी का 24K गोल्ड सीरम, और अच्छे से उसको मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ऑडबो का प्राइमर। अच्छा, एज अ प्राइमर मुझे ये इतना पसंद नहीं है, क्योंकि पोर्स को बिल्कुल भी ब्लर नहीं करता, ये नॉर्मल है, मतलब बहुत पसंद नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे अपनी फाउंडेशन थोड़ी सी ग्लोई चाहिए हो, क्योंकि इसमें ग्लिटर चंक्स हैं। तो जिन्हें ग्लिटर चंक्स हैं वो तो ये ऑर्डर कर सकते हैं, बट जिन्हें इस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं पसंद वो नहीं लीजिएगा। फिर यहाँ पर मैंने वैसलीन अप्लाई की है अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, ताकि जब तक लिपस्टिक लगाने की बारी आए तो मेरे लिप्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो जी, ये रही वो फाउंडेशन, और इसको मैंने लिया हाथ पर इस तरह से, और अपने पूरे फेस पे इस तरह से डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी मैं इसे। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, थिक है, लाइक क्रीमी टेक्सचर टाइप है कुछ। ओह माय गॉड, अच्छा ये मुझे एकदम से लगा शायद मैंने गलत कलर चूज़ कर लिया है इसमें, क्योंकि बहुत एकदम से वाइट लगने लगा मेरा फेस। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब ये ऑर्डर कर रही थी ऑनलाइन, तो इसमें तीन ही कलर्स अवेलेबल है सिर्फ, आइवरी, सेंट और बेज। और जो बेज 3 था ना, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क लगा, तो फिर मैंने जो ये था सैंड, ये ऑर्डर किया। ठीक है, इसको मैं ब्रश की हेल्प से जो है वो पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे मैं अपने डार्क सर्कल्स को जो है वो कंसील कर रही हूँ। कलर करेक्टर मैंने लिया है क्रेलॉन का चाइनीज़, येलो अंडरटोन है ये, जिनकी कॉम्प्लेक्शन जो है वो गंदुमी है, सांवली है, और उनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो वो इस तरह के येलो कलर करेक्टर्स जो हैं वो यूज़ किया करें, इससे अच्छे से हाइड हो जाते हैं डार्क सर्कल्स वगैरह। और उसके ऊपर अगेन मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन अप्लाई की थी, और फिर उसको स्पंज की मदद से जो है ब्लेंड कर रही हूँ मैं। स्पंज से ब्लेंडिंग करने का मकसद ये है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है मेरे फेस पर, ये स्पंज उसको एब्जॉर्ब कर ले, और मेरी फाउंडेशन जो है वो मुझे एक नेचुरल लुक दे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस की आई बेस, कंसीलर है ये बेसिकली, और इसको मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईलिड जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इस पर ताकि जब मैं आई शेड अप्लाई करूँ तो वो अच्छे से नुमाया हो। और फिंगर से ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि फिंगर से ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहें तो आप ब्रश से भी कर सकते हो, या अगर आपके पास छोटे आई स्पंचेस हैं तो आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट लिया है ग्लैमरस फेस का, और इसको मैं अच्छे से पाउडर ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या गर्मियों का सीज़न है, तो फिर आप जो है ना वो जो इसमें पफ आता है कॉम्पैक्ट में, उससे अप्लाई कीजिएगा कॉम्पैक्ट, तो उससे जो है ना वो ज़्यादा देर तक आपको कवरेज मिलेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी आपकी फाउंडेशन। अगर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन है, तो फिर आप ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर मैं आईब्रो को सेट करने लगी हूँ, और सबसे पहले मैंने स्पूली की हेल्प से आईब्रो को कॉम किया है। आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फोकल ओर का 3 इन 1
आईब्रो पेन, डार्क ब्राउन शेड है ये, 02 नंबर है इसका। और सबसे पहले मैंने आईब्रो के नीचे लाइन बनाई है, उसके बाद इनर से आईब्रो को छोड़ के ऊपर बाकी की आईब्रो पे ऊपर लाइन ड्रॉ की है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है हम आईब्रो को फिल करेंगे अंदर से। और फिल जो आपको करना है वो आईब्रो जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं आईब्रो के, उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी आईब्रो जो है वो अच्छे से फिल हो जाएगी। और बाद में अगर आपको लगे कि कोई हार्श लाइन है तो आप स्पूली की हेल्प से उसको ब्लेंड कर सकते हो, एक दफ़ा कॉम कर लेंगे अगर आप स्पूली की हेल्प से, तो भी आपका जो आईब्रो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और यहाँ सेंटर में इन्होंने ना एक स्पंज दिया हुआ है, और उस स्पंज की हेल्प से मैं जो है अपनी आईब्रो को ब्लेंड कर रही थी प्रोडक्ट को। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन शेड अप्लाई किया था ताकि मेरा जो आईब्रो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेट हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग रहे और आईब्रो बनते ही जो है ना पूरे फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। उससे पहले जो है ना आप बिल्कुल ही अलग फेस लग रहा होता है, बिल्कुल वाइट वाइट जब आप बेस अप्लाई करते हो, बट आईब्रो बनते ही जो है ना आपका फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है ब्यूटीफाई बाय आमना का, और इसको भी मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, जब आप आई मेकअप कर रहे हो ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर अपनी आई के नीचे लगा लिया करें, बाद में उसको डस्ट आउट कर दें। इससे ये होगा कि जो भी आपके आई शेडो का फॉल आउट होगा ना वो पाउडर के ऊपर होगा, जब आप बाद में उसको डस्ट आउट करोगे तो वो पाउडर के साथ ही डस्ट आउट हो जाएगा, आपकी बेस को ख़राब नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे मैं सेम वही कंसीलर एसेंस का लेके अपनी आईब्रो को थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ ताकि और नीट लुक आ जाए मेरे आईब्रो की। फिर कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्रिस्टीन की कंटूरिंग किट ली है, किट नंबर 2 है या पता नहीं 1 है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और ये देखिए, कंटूरिंग आपको चिक के वहाँ तक लानी है बस, जहाँ पे आपका चिक जो है वो फ्लैश होना शुरू होता है, मतलब उभरता है जब आप स्माइल करते हो, बस वहाँ पे आपको कंटूरिंग जो है वो एंड कर देनी है, उससे आगे कंटूरिंग का कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं अपनी जॉ लाइन को कंटूर कर रही हूँ, और कंटूरिंग आपकी इस तरह से ब्लेंड होनी चाहिए कि शेडो नज़र आए, मतलब ना इससे ज़्यादा ना इससे लाइट, ठीक है। कंटूरिंग का मकसद एक्चुअली ये होता है, जिन हिस्सों को हमें दबाना हो, पतला दिखाना हो, छोटा दिखाना हो, वहाँ पे हम कंटूरिंग करते हैं, ठीक है। और जिन हिस्सों को हमें हाईलाइट करना हो, यानी कि हमारा टी जोन एरिया, तो वहाँ पे जो है हम लोग हाईलाइटर वगैरह यूज़ करते हैं। ये देखें, एक साइड पे मैंने कंटूरिंग कर ली है और एक साइड पे नहीं की, तो वाज़े फ़र्क आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फिर यहाँ पर मैं सेम ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ जो मैंने पहले अप्लाई किया था, उससे मैं अपनी कंटूरिंग को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए लाइन बना रही हूँ। और सेम यही पाउडर जो है मैं अपने आई के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ, और फिर मैं इसको थोड़ी देर लगा रहने दूंगी और उसके बाद एक बड़ा ब्रश लेके इसको अच्छे से डस्ट आउट कर लूँगी। फिर मैंने ग्लैमरस की आई शेड किट ली है और उसमें से ये लाइट ब्राउन कलर लिया है अपनी क्रीज़ पर अप्लाई करने के लिए। आई मेकअप जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमेशा लाइट कलर से स्टार्ट करते हुए डार्क की तरफ लेके जाएंगे, तो इसलिए मैं ये लाइट ब्राउन कलर से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्लैमरस के आई शेड्स अच्छे तो हैं, पिगमेंटेड भी हैं, और बहुत कम बजट में आपको बहुत सारे आई शेड्स मिल जाते हैं, मगर इनका थोड़ा सा फॉल आउट है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये आई शेड किट यूज़ कर रहे हो तो पहले आप आई मेकअप कर लो, अगर आप बिगनर हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप कवर कर लोगे, वरना इनका फॉल आउट है, इनके काफ़ी आई शेड्स का फॉल आउट बहुत ज़्यादा है, कुछ का है कुछ का नहीं है, तो वो उससे फिर क्या होता है कि आपकी फाउंडेशन जो आप पूरा कंप्लीट कर चुके होते हो अपनी बेस, वो ख़राब होती है जब आई के नीचे आपका आई शेडो गिरता है।
तो अगर आप ग्लैमरस की ये किट यूज़ कर रहे हो तो फिर जो है ना पहले आप आई मेकअप कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपनी बेस बनाओ ताकि बेस जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहे और आई शेड से ख़राब ना हो। अच्छा जी, जो ब्राउन शेड मैंने आई पे अप्लाई किया था, पिंक कलर लिया है मैंने इसी किट में से और उसको मैं उसी ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। और सेम आई शेडो मैंने आई के नीचे भी अप्लाई किया है, क्योंकि जब आप आई पे इतना काम कर रहे हो तो आई के नीचे भी काम करना ज़रूरी है। शेड अप्लाई करने के बाद ऊपर सॉफ्ट एरिया की तरफ मैं ब्रश से अच्छे से ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। और फिर यहाँ पर मैंने एक डार्क पिंक कलर का आई शेडो लिया था अपने कॉर्नर पर अप्लाई करने के लिए, और उसको मैं अपने आई के आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ब्लेंडिंग ऐसी हो कि आप जो जितने भी शेड दो या तीन अप्लाई कर रहे हो वो अच्छे से मर्ज हो जाए, कोई भी शेड अलग से नज़र ना आए, ठीक है। फिर अगर आपको छोटे ब्रश से ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो तो आप एक बड़ा ब्रश लेके उसकी हेल्प से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो। बड़े ब्रशेस जो होते हैं ना उनसे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पर एक डार्क ब्राउन शेड लिया था और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी आई के कॉर्नर पे। और आई के कॉर्नर पे अप्लाई करने के बाद मैं इन तमाम शेड्स को इस शेड के साथ मर्ज कर दूँगी ताकि मुझे एक नया शेड मिल सके। जब आप दो और तीन शेड्स को मिलाकर काम करते हो ना तो बहुत ही एक खूबसूरत कलर आपको मिलता है। आई पे हमेशा जब भी आप काम करें तो दो या तीन कलर को मिक्स करके काम करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि आई का जो लुक है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर मैंने शेड अप्लाई करके फिर एक बड़ा ब्रश लिया है और उससे मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि सारे कलर्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएं। फिर मैंने कंसीलर लिया है एसेंस का और मैं अपनी आईलिड को जो है वो कट कर रही हूँ ताकि जब मैं इस पर शिमर शेड या मेटालिक शेड जो भी अप्लाई करूँ वो अच्छे से नुमाया हो और इजीली अप्लाई हो जाए। ठीक है, मैं इसका ब्रश छोटा है तो मैं उसी से कर रही हूँ अप्लाई। अगर आपको सेम ब्रश से अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो तो आप छोटे जो पेंसिल ब्रशेज़ आते हैं आप वो भी ले सकते हो, उससे बहुत अच्छे से क्रीज सेट हो जाती है। देखिए, मैंने फिंगर पे लिया। अच्छा, इनके जो मेटालिक शेड्स हैं इसमें मखमली आई शेडोज़ जो हैं इनके, वो ब्रशेस के साथ इतने अच्छे से अप्लाई नहीं होते, इतनी अच्छी एप्लीकेशन नहीं होती उनकी, फिंगर्स से ज़्यादा अच्छे से होती है। तो इसलिए मैं जब भी ये वाली किट यूज़ करती हूँ तो मैं इस ये वाले शेड जो है ना ये मैं फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ, फिर वो एक ही एप्लीकेशन में जो है ना बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो जाती है। फिर मैंने एक ब्लू शेड लिया है और इसको मैं अपनी लिड के सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ। और फिंगर की ही हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे लाइनर लिया है, क्रिस्टीन का ड्राई केक लाइनर, और ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। और इनका लाइनर ब्रश मुझे बहुत ही मज़े का लगता है ये। अच्छा, ये आगे से ना थोड़ा सा टर्न है, जैसे टेढ़ा हुआ हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल ब्रशेस होते हैं लाइनर के, स्ट्रेट ब्रशेस जो होते हैं, उसकी बनिस्बत इससे ज़्यादा इजीली लाइनर अप्लाई हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इससे मैं जब भी विंग लाइनर या लाइनर अप्लाई करती हूँ तो मुझे बहुत ही आसानी होती है बनिस्बत दूसरे ब्रशेस के। ठीक है, और लाइनर जब भी आप लगाना तो बड़े ही इत्मीनान से बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, फोकस करें बस, तो आपका लाइनर जो है ना वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। सारा काम जो है ना वो असल में फोकस का है, काम कोई भी हो अगर आप फोकस करके करेंगे तो बहुत ही अच्छे से होगा। तो फिर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, आई थिंक हाशमी का है ये। और फिर उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है एसेंस का, एसेंस का जो पिंक वाला मस्कारा है वो है ये। एक्चुअली मस्कारा मैं आजकल ना मस्कारा जो है डिफरेंट डिफरेंट ला के उसको चेक कर रही हूँ
क्योंकि एसेंस के अब रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो पहले मैंने हाइलाइटर ले लिया था, बट फिर मैं भूल गई कि मैंने ब्लश अप्लाई नहीं किया अभी। तो फिर मैंने यहाँ पर ब्लश लिया है ग्लैमरस का, और 15th नंबर है इसका। बहुत ही प्यारा ब्लश है ये, बहुत ही अच्छा लगता है लगने के बाद। और ब्लश को पहले आप ब्रश पे लेके अपने चिक के साइड पर रख लेंगे, और उसके बाद जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करते हुए चिक की तरफ लाएंगे। और जब आपके ब्रश पे से सारा प्रोडक्ट हट जाएगा, तब आप जो आपके चिक्स के जो एप्पल हैं, यानी जो आप स्माइल करते हो और आपके चिक्स जहाँ से उभरते हैं वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर लोगे फिर। अच्छा जी, हाइलाइटर जो है ना वो मुझे लगता है एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है। मतलब हाइलाइटर अप्लाई करते ही आपके मेकअप का पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। और हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का, और बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है इनकी, और इसमें आपको 4 कलर मिलेंगे। मैं सारी चीज़ें जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है ना चेक कर सकते हो सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल वगैरह, जो आपको वीडियो में समझ ना आए अगर। ठीक है, तो मैं अपनी यहाँ पे ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही थी। सेम हाइलाइटर लिया है मैंने मिस रोज़ का, और यहाँ पे मैं अपनी नोज़ की टिप को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि शाइनी नोज़ लगे मेरी। और उसके बाद नोज़ के सेंटर में जो है ना मैंने बहुत ही मामूली सा वो लगाया था, क्योंकि अक्सर नोज़ पे से ना लोगों की बेस भी हटना शुरू हो जाती है, तो नोज़ पे जो है ना बेस भी कम अप्लाई किया करें, और नोज़ के सेंटर में ना हाइलाइटर भी बहुत मामूली सा अप्लाई किया करें, क्योंकि नोज़ पे से अक्सर लोगों को बेस हटने का इशू रहता है। तो फिर यहाँ पर मैंने ली है लिप कलर लिया है, आई थिंक कलर इंस्टीट्यूट का था ये, यहाँ किसका था एक्चुअली। लिप कलर्स ना मेरे पास बहुत सारे जमा हो गए, मैं नाम नहीं देखती हूँ, वो एक बॉक्स में रखे हुए हैं, बस मैं उठा के और लगा लेती हूँ। फिर भी मैं देखूँगी अगर मुझे मिल जाता है मैंने कौन सा अप्लाई किया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कलर और नाम वगैरह मेंशन कर दूँगी। ठीक है, आउटलाइन बना ली है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करनी है। उसके लिए अगर आप पहले से आउटलाइन बना लो तो फिर जो है ना आपकी लिपस्टिक फैलती नहीं है, मतलब लॉक हो जाती है वो लिप्स के अंदर ही। ठीक है, हुदा ब्यूटी का लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारा पिंक कलर है ये। एक्चुअली पिंक के जितने भी शेड्स होते हैं ना वो सभी मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे मेरे फेस पे सूट करते हैं वो, मुझे ऐसा लगता है जी। तो अब बारी आती है ड्रेस की जी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और फाउंडेशन जो है वो बहुत ही फ्लॉलेस लग रही थी, और बजट फ्रेंडली है ये। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर मुझे मिलता है तो, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो।